ये है श्लोक श्रीवास्तव, जिन्हें हम टेक बर्नर नाम से जानते हैं। आज उनके पास वो सब कुछ है जिसे अचीव करने के लिए किसी भी इंसान की आधी जिंदगी लग जाते हैं। करोड़ों में कमा लेते हैं पर आज उनकी YouTube चैनल में 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। इनफेक्ट इनकी YouTube के अलावा दो सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रहे हैं, जो कि है लेयर स्किन एंड ओवरले क्लोदिंग। अगर आप टेक बर्नर के YouTube चैनल देखोगे तो वो पिछले 9 साल से YouTube पे वीडियो बना रहे हैं और उन्होंने खुद बताया है कि व्यूअरशिप के मामले में टेक निश में इनका चैनल इंडिया में नंबर 1 है। इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप हम नंबर 1 पे। ऐसे उनके बिजनेस के बारे में सुनकर आपको ये लग सकता है कि उनकी वेल्थ का मेन रीजन बिजनेस है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही उनके पास BMW, एक लग्जरी घर, ऑफिस और स्टाफ सब कुछ थे। इनफैक्ट उन्होंने अपने बिजनेस में भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है। हमको भाई इस ब्रांड को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। और ये सब कुछ आया उनके पास यूट्यूब एडसेंस और ब्रांड प्रमोशन से। टेक बर्नर की निश की वजह से उन्हें YouTube AdSense से अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। तो AdSense ही बहुत अच्छा खासा आया था। ये टेक में अपना CPM पे हाई रहता है, हमारे व्यूज काफी तगड़े हैं। और उसके बाद ब्रांड से पार्टनरशिप जो Rise in Comedy Views। हाँ यार, कॉमेडी नहीं बट लेगा वो लोग टेक वाली वीडियो देखते हैं। टेक फाइनेंस CPM थ्रू द रूफ। अगर उनकी बिजनेसेस के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अपना लियर स्किन को 5 सितंबर 2022 पे लॉन्च किया था और सिर्फ 6 महीने के अंदर उन्होंने 4.25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अबे क्रैश मार रहा भाई, 15,000 विजिटर लाइव है, 2 घंटे में 7 लाख व्यूज है भाई, मजाक नहीं। इनफैक्ट श्लोक ने ये भी शेयर किया है कि वो जितने ऑर्डर 1 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे 3 गुना ज्यादा उनकी लॉन्च के दिन ही उन्हें रिसीव हो गए थे। जितने ऑर्डर सोचे थे हम पूरे महीने में बेचेंगे, उससे 3 गुना ज्यादा ऑर्डर हमको 1 दिन के अंदर आ। ऐसे अपने बिजनेस के लिए टेक बर्नर ने 30 लाख की स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन खरीदा है जिसका नाम है डेकेंड 3D। अगर उनकी दूसरी बिजनेस ओवरले क्लोदिंग के बारे में बात की जाए तो उन्होंने रिसेंटली इस बिजनेस के लिए एक नई फैक्ट्री सेटअप किया है ताकि प्रोडक्ट की डिमांड फुलफिल कर सके। और कुछ दिन पहले उन्होंने ओवरले की जैकेट लॉन्च किया था और इसके मार्केटिंग के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जैकेट बना दिया था। और गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में कौन से यूट्यूबर के बारे में बात करें आप कमेंट करके बताओ। और गाइस, चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।